नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भाजपा की तीसरी परिवर्तन यात्रा रामदेवरा से रवाना हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित किया। राजनाथ ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में नंबर एक पर पहुंच गया है। राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। सीएम गहलोत जिस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे हैं उसका क्लच कोई और दबा रहा है, एक्सीलेटर और कोई दबा रहा है। यहाँ पोकरण रोड स्थित जनसभा स्थल पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मंच पर साफा और तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया और यह यात्रा जोधपुर संभाग में 20 दिन में 51 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इससे पहले रामदेवरा पहुंचने पर राजनाथ ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे। बाबा रामदेव मंदिर के पीठाधीश्वर भवन सिंह ने बाबा की तस्वीर प्रदान की। दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया। चंद्रयान 2 जिस समय विफल हुआ था तो उस समय हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी ये कहते थे कि क्या हुआ है, तरह तरह की बातें किया करते थे। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों से जाकर उन्हें गले लगाकर उनकी हौसला अफजाई की थी और आपने देखा कि इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर को आप कहेंगे एक धक्का और श्री गणेश सरकार को श्री गणेश सरकार को बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राठौर साहब। इस देश के पहले कानून मंत्री होते थे बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक, वो सारी दुनिया को पता है। हिंदुस्तान की जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से जो 4.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार रही है उसने करप्शन के अंदर एक नंबर पर पहुँचे, भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरह से देखा होगा आपने पूरे राजस्थान एक नंबर पर है, और वहीं पर क्राइम के अंदर राजस्थान एक नंबर पर है। यहाँ पर गैंगवार प्रतिदिन हो रही है और हमारी बहन बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं आज, और प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और आज बहन भी अपने आप को सुरक्षित इस प्रदेश के अंदर नहीं महसूस नहीं करती है। ऐसे में ऐसे संरक्षण देने वाले लोग जो कांग्रेस के हैं उन्हीं के मंत्री विधानसभा में बोलते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है तो ये मर्दों का प्रदेश इसलिए नहीं है, देश के लिए आन पान और शान के लिए जान दी है, यहाँ पर बहनों के लिए रक्षा करने के लिए जान दी है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से ऐसे बयान देकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता है वो परिवर्तन चाहती है। इस जंगल राज हो चुका है और इसीलिए आज ये परिवर्तन यात्रा जो दूसरे स्थान पर यहाँ से रामदेवरा से प्रारंभ हो रही है और वो विभिन्न जगह से टोटल 200 विधानसभा तक यात्रा पहुँचेगी और इसका अपार समर्थन जन समर्थन मिल रहा है। जो दो यात्राएं जो प्रारंभ हुई है जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे मिनिस्टर जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने जो प्रारंभ की है, पर आज यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है जिसका राजनाथ सिंह जी इसको अंजलि दिखाकर रवाना करेंगे। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा जा रही है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जनता का जो समर्थन मिल रहा है इससे आने वाले समय के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आपके संसदीय क्षेत्र से भाजपा का मात्र एक ही विधायक है, इस बार आपके संसदीय क्षेत्र से भाजपा की क्या उम्मीदें हैं? ऐसा है कि राजस्थान की जनता जो 4 साल में इनके शासन को देखा है और उन्होंने पूरा बहुमत दिया है, ऐसा नहीं है उनको राजस्थान में बहुमत दिया, इस जोधपुर प्रांत में बहुमत दिया, पर ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की पहले भी जो है 3 सीटें यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की थी, लेकिन आने वाले समय में पूरी की पूरी संभाग की जो सीटें वो भाजपा की आएगी क्योंकि जनता का मानस मन इनसे उठ चुका है और ये जो योजना भी है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी योजना बताकर और अपना